जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आरए में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे गुजरात टाइटेंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच में होने वाले आईपीएल के अगले मैच की। दोस्तों, जहां तक बात की जाए, दोनों नई टीम्स हैं और दोनों के पास नए कैप्टेंस भी हैं। ज़्यादा अगर हम डीप में जाना चाहें तो नया कैप्टन हम पांड्या को कह सकते हैं, केएल राहुल को हम नया कैप्टन नहीं कह सकते। पंजाब के लिए इन्होंने बहुत कप्तानी की है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए पांड्या की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पांड्या ब्रदर्स अलग अलग खेलेंगे, तो एक अलग सा ही मज़ा आएगा। जो भी है दोस्तों, देखने में बहुत अच्छा लगेगा 2016 के बाद। अगर थोड़ा सा और डीप में जाना चाहें तो इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम पे मैच होगा, हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, हमारे पास पिच रिपोर्ट होगी जो एक तरीके से राहुल के फेवर में जा सकती है। कैसे जा सकती है आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा। खैर, जो मेजर अपडेट्स आ रही है सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी मेजर अपडेट जो आ रही है, मार्कस स्टॉइनिस, जेसन होल्डर, कैल मेयर्स अवेलेबल नहीं है। किसके लिए दोस्तों? ऑफ कोर्स राहुल की टीम के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तीनों बंदे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ, ओपन करते हैं दोस्तों, एक मिनट, इसे क्लियर कर देते हैं। जो जो भी है, ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं। दोस्तों, मज़ा तभी आता है जब डिटेल में वीडियो आप देखते हो ना। ओपन करते हैं, माई टीम पे चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। जेसन होल्डर को बहुत लोगों ने लिया हुआ है दोस्तों, ये बंदा अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आपको जेसन होल्डर लेने को कह रहा है तो उसे फॉलो करना बंद कर दीजिए। मार्कस स्टॉइनिस भी अवेलेबल नहीं है, जेसन होल्डर भी अवेलेबल नहीं है, तीसरा बंदा मैंने कौन बताया, कैल मेयर्स, दोस्तों ये बंदा भी अवेलेबल नहीं है। क्या इसे आप लोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये तीनों प्लेयर्स को आपको नहीं लेना, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इनमें से जो बड़ा नाम है वो ये दोनों है, इन दोनों को आपको नहीं लेना। पांड्या को बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में इनके हेड कोच आशीष नेहरा ने कहा है कि मैं इनको एज ए प्योर बैट्समैन मानता हूँ। तो अगर इनके हेड कोच इन्हें प्योर बैटर कह रहे हैं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पांड्या बॉलिंग करेंगे। तो अगर आपको अपनी टीम में हार्दिक पांड्या लेना है तो आप एज ए बैट्समैन इन्हें लेना, एज ए बॉलर पांड्या को मत लीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं ये बॉलिंग करेंगे। कहाँ लिखा है आपको मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, टाइटेंस हेड कोच आशीष नारा सेइंग इन एनी T20 स्क्वाड आई विल टेक हार्दिक पांड्या एज ए प्योर बैटर। दोस्तों, मानते हो मेरी बात? इसलिए अगर आपको हार्दिक पांड्या अपनी टीम में लेना है तो ये सोच के लेना कि ये बंदा बैटिंग अच्छी करेगा, बॉलिंग ये नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये आपके पास न्यूज़ थी या आप अभी तक हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर ही समझ रहे थे? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यूज़ अच्छी लगी ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपको बताऊँ मैं कहाँ पे करना है? ये देखिए दोस्तों, आपको केवल ये वाला बटन दबाना है। ऐसी दो तीन अपडेट्स मेरे पास और बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं दोस्तों, जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, लाइक ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और जैसे ही ये बेल आइकन दिखे ऑल पे क्लिक कर देना। जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी अगली प्राइम वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसका आपको ना जो नोटिफिकेशन है वो ऊपर नोटिफिकेशन टैब में आ जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। अगर आपको मेरी टीम चाहिए, टॉस के बाद मैं अपनी खुद की टीम बनाता हूँ, प्राइम टीम, अगर आपको वो चाहिए तो आप टाइटल पे क्लिक कीजिए। ये रहा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे मैं अपनी खुद की टीम शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको मेरी टीम मिलती है जिसके साथ मैं खेलता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम पे, और आज की टीम का क्या प्रदर्शन रहा वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये रहा दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ये देखो मैं आपको अपनी खुद की टीम देता हूँ। दोस्तों, धवन बढ़िया कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों डुप्लेसी बढ़िया कर रहे हैं, शिखर धवन बढ़िया खेल रहे हैं, तो ये टीम बहुत तगड़ी जा रही होगी। केवल और केवल राजा पक्सा इसमें नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, वो जीएल पिक था, उनको लेना भी नहीं बनता था। टीम बहुत तगड़ी जा रही है, इसका प्रदर्शन भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्लेइंग इलेवन। पिच रिपोर्ट आपको आज पुराने तरीके से मिलेगी, जिससे हमारे 100% हमारी पिच रिपोर्ट वर्किंग करती है, उसी तरीके से आपको पिच रिपोर्ट बना के दी जाएगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले प्लेइंग इलेवन देखी जाएगी, उसके बाद आपको पिच रिपोर्ट दी जाएगी। मुझे पता है आप सब लोगों को उस तरीके से ही पिच रिपोर्ट चाहिए, तो उसी तरीके से आपको मिलेगी दोस्तों। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो, लाइक आप लोग कर रहे हो मुझे पता है।
दोस्तों सबसे पहले बात की जाएगी लखनऊ की टीम की। लखनऊ की टीम थोड़ी सी फेवरेट्स बनती जा रही है, क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप भी है दोस्तों। अगर बैटिंग में बात की जाए तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो दो ओपनर हैं वो लखनऊ के पास हैं, केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक। और मोर ओवर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है इनके पास दोस्तों, तो बहुत एक तरीके से तगड़ा, जैसे पंजाब के पास होता था ना कि पंजाब की केवल टॉप में ही दम है, तो मुझे लगता है इनके साथ ऐसा होने वाला है। इनका मिडिल ऑर्डर में इतनी जान नहीं है जितना इनके टॉप ऑर्डर में दोस्तों, बहुत तगड़े प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर में इनके पास, केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक। वन डाउन पे जहाँ तक बात की जाए तो इनके पास मनीष पांडे हैं, जो एक आप लगा सकते हो कि इन्हीं के लेवल का प्लेयर, तो चलो मैं नहीं कहूँगा, एक तगड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है जिसके पास। फिर थोड़ा सा इनकी पारी लड़खड़ा जाती है दोस्तों, एक्सपीरियंस की कमी आ जाती है, दीपक हुडा आ जाते हैं, मनन वोरा जो ओपनिंग स्लॉट में बैटिंग करते हैं उनको मिडिल ऑर्डर दिया गया, जो मुझे लगता नहीं गलत होगा। देखे जरा इन्होंने कौन सा प्लेयर उठाया है, यहाँ पे इन्होंने भी मनन वोरा ही उठाया है दोस्तों। तो ठीक है, ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो मिलके यहाँ पे प्लेइंग इलेवन बनाते हैं, तो काफ़ी मेहनत की होगी इन लोगों ने भी। तो कृणाल पांड्या लोअर ऑर्डर, तो दोस्तों यहाँ पे कमी लग रही है, इनके पास मिडिल ऑर्डर की भी कमी है और फिनिशर की भी कमी है। तो फिनिशर और मिडिल ऑर्डर की इन्हें कमी खलेगी, एक्सेप्ट अगर कोई बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चला गया, अदरवाइज इनके पास फिनिशर की कमी है दोस्तों। ऊपर तो इनके पास ज़बरदस्त बैटिंग है, लेकिन उसके बाद पहले तीन को छोड़ दे तो इनके पास कोई खासा मुझे लगता नहीं असला है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप पे चले तो अंकित राजपूत एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, आवेश खान, दुश्मंथा चमीरा, यहाँ पर भी कमी है दोस्तों इनको। दुश्मंथा चमीरा को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। बिश्नोई एक अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, लेकिन अभी यंगस्टर हैं। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, यही दोनों बॉलर हैं। तो अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की तो चमीरा का नाम आएगा, लेकिन मुझे पहले तीन के अलावा कोई मैच विनर इनकी तरफ से नहीं नज़र आ रहा। इनफैक्ट पांडे को भी अगर कर दे तो यही दो प्लेयर है इनके पास। तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो एक्सपीरियंस इनको मार्कस टॉइनिस और जेसन होल्डर से मिलना था वो शायद रह गया, वो नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट कुछ मैचों के लिए तो नहीं मिल पाएगा। तो हम बात करें तो प्राइम प्लेयर्स की, इनमें से ही उसका नंबर बाद में लगेगा, है ना? अब दूसरी टीम की प्लेइंग इलेवन देखते हैं पहले। भले ही दोस्तों अपना क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या एज ए बैटिंग यूनिट काम करेंगे, लेकिन इनके पास बॉलर है फर्ग्यूसन और राशिद और शमी, इन तीनों के रूप में ये टीम मैच विनर है बॉलिंग में, बहुत तगड़े प्लेयर हैं दोस्तों ये। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी बैटिंग की, तो बैटिंग में जहाँ तक बात की जाए शुभमन गिल, मैथ्यू वेड वही है जिन्होंने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर किया था, और उनके नंबर वन T20I बॉलर की बहुत जम के धुलाई की गई थी, शाहीन अफरीदी शायद उसका नाम था, तो बहुत एक खुशी फील हो रही थी एज ए भारतीय मुझे। हालांकि वो बॉलर अच्छे थे जिसकी धुलाई हुई, लेकिन क्या करें, अभी भारतीय हैं, जब पाकिस्तान की धुलाई होती है तो अंदर से एक खुशी सी फील होती है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, चलो जाने दो, इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों ये ब्रश टूल यहाँ पे लेके आते हैं, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, वन डाउन पे दोस्तों वैसे आना चाहिए रिद्धिमान साहा को, अभिनव मनोहर मुझे लगता नहीं खेलेंगे दोस्तों, विजय शंकर चौथे नंबर पर आएंगे। देखे जरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी अभिनव मनोहर को खिलाया है, लेकिन मुझे लगता है अभिनव मनोहर को चांस नहीं दिया जाएगा, जो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद डेविड मिलर हैं दोस्तों, मिलर को ज़्यादा रैंक हम नहीं करेंगे, लेकिन इस समय मिलर इन फॉर्म है, ठीक है ये ध्यान रखना। मैं जब इनकी करियर फॉलो कर रहा था, अभी IPL में हमें सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें पता लगा कि ये इन फॉर्म प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया बॉलिंग में बहुत तगड़े प्रदर्शन करेंगे, रवि साई किशोर अच्छे पेसर हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, रुको जरा, स्क्वाड में चलते हैं। तो आपको रवि साई किशोर के बारे में बताना है, ये रहा दोस्तों,
मैं शायद पेसर बोल गया, सॉरी दोस्तों, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोल रहा हूँ मैं शायद, मेरे माइंड में कोई और प्लेयर चल रहा होगा। हम सारा दिन यही तो चलते करते रहते हैं दोस्तों, जो भी अनकैप्ड प्लेयर है सबके बारे में देखना पड़ता है, तो शायद हम किसी और प्लेयर के माइंड में चल रहा होगा अभी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोस्तों, दैट्स वाई इन्हें खिलाया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर रवि साई किशोर खेलते हैं तो इस टीम के पास केवल दो पेसर बचेंगे जो गलत होगा, तो यहाँ पे रवि साई किशोर की जगह नहीं बनेगी। भले ही मैंने खुद यहाँ पे लगाया है इसे, लेकिन इनकी जगह नहीं बनेगी। अभिनव मनोहर की जगह भले ही बन जाए, लेकिन या तो पिच बहुत ही ज़्यादा स्पिनर हो, अदरवाइज इनकी जगह नहीं बनेगी। ठीक है, इनकी जगह टीम को एक तीसरा पेसर चाहिए। तीसरा पेसर कहाँ पे टीम पे? तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या रवि साई किशोर को ऐड किया है? तो इनकी इनकी भी प्लेइंग 11 गलत है दोस्तों। प्रीव्यू में देखते हैं, इन्होंने ऐड किया है क्या? जी हाँ, तो ये गलत है दोस्तों। हम स्क्वाड देखते हैं एक बार, स्क्वाड कहाँ पे है? स्क्वाड से जो बंदा डिजर्व करता है उसी को उठाया जाएगा। रुकिए जरा, प्रदीप सांगवान एक अच्छे बॉलर है, प्रदीप सांगवान को ट्राई कर सकती है टीम दोस्तों। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम साई किशोर की जगह पे, क्योंकि पेसर चाहिए टीम को। ठीक है, ये कमी उसकी पूरी कर सकते हैं। इनके पास तो तीन पेसर आ चुके होंगे शायद, हाँ अंकित राजपूत के रूप में तीसरा पेसर इनके पास आ चुका है, तो इनकी तो बैटिंग से और बॉलिंग बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्लेइंग अपना पिच रिपोर्ट की, वो भी यूडीसी आरए के स्टाइल में दोस्तों। रात का मैच है, एक मैच इस ग्राउंड पे हो चुका है, तो बहुत मज़ा आने वाला यूडीसी आरए के स्टाइल में दोस्तों। क्रिकवज ओपन करते हैं, पिच रिपोर्ट देखते हैं। हालांकि दो तीन मैच हमारे पास नहीं है, केवल एक ही मैच है मुंबई अपना, ये वाला मैच सीएसके और केकेआर वाला। कोई बात नहीं, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो टॉस जीत के जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग पसंद करेगी। मैं थक चुका हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, आपके लिए मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। टॉस विनिंग टीम लाइकली टू बॉल फर्स्ट बिकॉज ऑफ ड्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाई चांसेस ऑफ विनिंग विनिंग हु विल बॉल बॉल फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू हाई चांसेस ऑफ विनिंग, जो भी टीम बॉलिंग करेगी पहले, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में क्या घटेगा, फर्स्ट इनिंग्स में क्या घटेगा देखिए जरा। टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा दोस्तों, क्या बात है। थर्ड नंबर प्लेयर विल बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिनिशर्स, टू फिनिशर्स विल बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दोनों फिनिशर, दोनों फिनिशर की जगह आप यहाँ पे लिखिए फिफ्थ नंबर, यहाँ पे आप फिफ्थ नंबर प्लेयर लिख सकते हैं, फिफ्थ एंड फिनिशर विल बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करेंगे बॉलिंग में भी, तो देखना फर्स्ट इनिंग्स में डेन ब्रावो कब बॉलिंग करने आए थे। ओके ओके ओके, डेथ में तो बॉलिंग नहीं की होगी इन्होंने, कब बॉलिंग करने आए थे डेन ब्रावो? मिडिल ऑर्डर में, डेथ में भी किया, ओके ओके, लेकिन मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर मीडियम बॉलर, तो यहाँ पे लगाइए मिडिल ऑर्डर MEDIUM मीडियम बॉलर विल इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
ये मेरे अलग ही तरीका है दोस्तों पिच रिपोर्ट देने का, और ये काम भी करती है। आप सब लोग जो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है मैं इसी तरीके से पिच रिपोर्ट देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाते हैं हम लोग। अब ऐड आ गई यार, मुझे लॉगिन करना था, मैं भूल गया, इसका लॉगिन कर लूँगा, मेरे पास प्रीमियम है इसका। अरे यार बहुत वीडियो में ना दखल अंदाजी, तो एक तरीके से ना जो फ्लो होता है ना वो बिगड़ जाता है। अब यहाँ से टॉप थ्री विल भी इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इनिंग्स में टॉप थ्री प्लेयर। अरे यार चला जा, तंग मत कर ज़्यादा। टॉप थ्री प्लेयर्स विल बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिनिशर तो होता ही होता है, बॉलिंग देखे तो। अरे सेकेंड इनिंग्स में आ गया तो ऊपर देखना था ना हमने, तो यहाँ से ओपनिंग बॉलर लिखना था दोस्तों, वही है ना जब एड्स वगैरह आती है तो ये दिक्कत आती है। ये सेकेंड इनिंग्स का कारवा था, ये फर्स्ट इनिंग्स का नहीं है दोस्तों, ये सेकेंड इनिंग्स का है। तो कट करके इसे यहाँ पे लिखिए, ठीक है, मिडिल ऑर्डर बॉलर जो मीडियम पेसर हो, तो यहाँ पे लगाइए आप ओपनिंग बॉलर, ओपनिंग पेसर विल बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एंड ऑफ स्पिनर, प्राइम स्पिनर लिखिए, एंड प्राइम स्पिनर जो भी स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा इनका, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स की हम बॉलिंग की पिच रिपोर्ट लिख चुके हैं, तो अगर बात की जाए ये पिच रिपोर्ट रहेगी दोस्तों। काफ़ी आप कहोगे इस तरीके से पिच रिपोर्ट कौन बनाता है, दोस्तों यूडीसीआर इसी तरीके से बनाते हैं। लाल मिट्टी की पिच है, दैट्स वाई थोड़ा सा लग रहा है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, उस तरीके की पिच रिपोर्ट तैयार की गई है। अब आप कहोगे इस तरीके से फिर टीम भी बना के दिखाइए, जो नए लोग हैं उन्हें आइडिया नहीं होगा कि यूडीसीआर इस तरीके से कैसे अपना बनाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों उनको बना के दिखाते हैं इस तरीके से अपना प्राइम टीम। लेकिन उससे पहले ड्रीम प्लेयर्स और एक मेजर जो आपको बतानी है चीज़ दोस्तों, जो आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। अभी तक आप सब लोग बैट बॉल पर खेलना शुरू कर गए होंगे, क्योंकि यूडीसीआर खेलते हैं तो आप भी खेलते होंगे। तो आपको एक चीज़ बतानी है दोस्तों, जो ये ग्रैंड लीग है ना, ये अभी आप ज्वाइन किया गया, जितनी भी टीम आप लगाना चाहते हो, 20 लगानी है, जितनी आपको लगानी है, अभी ये लीग 20 रुपये डिस्काउंट पे मिलती है। लेकिन अगले दिन जब मैच शुरू होने वाला होता है तो ये 39 की हो जाती है, यानी 10 रुपये बढ़ जाते हैं। ध्यान देना, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में मुझे देखो, 40 रुपये डिस्काउंट दिख रहा है, मुझे 29 में दिख रही है। मैं चाहे 20 टीमें लगाऊँ, 20 की 20 मुझे 29 में मिलेंगी। लेकिन मान लीजिए आप वीडियो कल देख रहे हो 4-5 बजे, है ना, यानी अभी 4 बजे रह जाओ वीडियो देख रहे हो, तो ये लीग आपको 33 की या 39 की दिखेगी, आपके पैसे फालतू लगेंगे। माइंड लगाइए यार, अभी ज्वाइन कीजिए, और फ्री गिव अवे तो रहता ही रहता है। 25,000 का पूरे IPL में गिव फ्री गिव अवे दे रहे हैं, कोई कंपनी मुझे लगता नहीं इतना देगी, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों ड्रीम प्लेयर्स और उसके बाद प्राइम टीम। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्राइम प्लेयर्स। तो सबसे पहले बात की जाएगी लखनऊ की टीम की, ये दोनों इनके प्राइम प्लेयर्स हैं दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता। तीसरे प्राइम प्लेयर हैं इनके दोस्तों मनीष पांडे, इवन लुइस नहीं दोस्तों, नहीं खेलेंगे, ठीक है। इवन लुइस की कोई अपडेट आ नहीं रही, क्योंकि अगर खेलेंगे तो दोस्तों वन डाउन है। अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें इवन लुइस की, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैं फिर बता दूं, ठीक है। लेकिन अगर इवन लुइस खेलते हैं एक तरीके से, तो इनके पास एक एक दो और बाहर का कौन है, अरे केवल दो प्लेयर बाहर के इनके पास, आवेश इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो केवल दो प्लेयर। तो इवन लुइस को ये खिला सकते हैं दोस्तों एक तरीके से, मनन वोरा को रेस्ट पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग केवल लुइस की जगह बनती है दोस्तों, बकायदा वो अवेलेबल नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनकी जगह बनती है केवल लुइस की।
बननी चाहिए, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है दोस्तों उनकी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर वो अवेलेबल है तो मैं लूँ इसकी जगह बनती है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। उसके बाद होल्डर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं तो बात ही नहीं करनी दोस्तों। चमीरा एक बहुत बड़ा नाम दोस्तों इनका, आवेश खान, रवि बिश्नोई, स्पिनर को हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कोई बड़ा प्लेयर हमने छोड़ दिया हो इनका, एक बार देख लेते हैं ना। नहीं, तो ये 6 प्लेयर दोस्तों लखनऊ की टीम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बकायदा अगर इवन लुइस नहीं खेलते, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी टीम की तरफ, दूसरी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है, दूसरी टीम की तरफ से दोस्तों मैथ्यू वेड ओपनिंग में, शुभमन गिल बहुत बड़ा नाम दोस्तों, मिलर इनफॉर्म चल रहे हैं दैट्स व्हाई मैं ले रहा हूँ, राहुल तेवतिया स्पिन ट्रैक है इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, अपना करामाती खान, इनके पास बॉलिंग बहुत तगड़ी है दोस्तों, इनके पास बॉलिंग की कोई कमी नहीं है, दैट्स व्हाई इनके 7 प्लेयर आ चुके हैं और सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आप अगर मिलर या तेवतिया को नहीं खिलाना चाहते, अदरवाइज़ बॉलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके ऊपर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर में ही दम है, ये बात तो देखने को मिल रही है ना। अब आप कहेंगे ड्रीम प्लेयर्स तो आपने बता दिए, प्राइम टीम कैसे बनेगी? दोस्तों दो तरीके से प्राइम टीम बनेगी, पहले क्योंकि श्योर है जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा और उसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए दो तरीके से टीम बनेगी, ध्यान से देखना दोस्तों। प्राइम टीम बनने लगी है, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के मत जाइए, आपका ही लॉस हो जाएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर जाओगे। अब आप कहोगे मेरा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो दोस्तों टेलीग्राम फिर से जो वीडियो आप देख रहे हो उस पर क्लिक कीजिए, ये रहा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लाइक आपने कर ही दिया होगा दोस्तों। मैं फिर बता दूँ, अगर मेरे नाम से कोई पैसे वगैरह मांग रहा है ना आपसे, वो फेक है, यूडीसी आ रहे अपने किसी भी यूज़र से 1 भी रुपया नहीं लेते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। प्राइम टीम सबसे पहले मान के चलिए कि यार राहुल का लक चलता नहीं है वैसे, लेकिन आज चल गया, वो बैटिंग करने के लिए दूसरी टीम को उतार रहे हैं, तो राहुल की टीम कैसी रहेगी दोस्तों? सबसे पहले अपनी पिच रिपोर्ट ओपन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टीम बनेगी, है ना। टॉस विनिंग टीम लाइकली टू बॉल फर्स्ट, क्या बात है, राहुल जी टॉस जीत गए, लखनऊ की टीम बॉलिंग कर रही है, हाई चांसेस ऑफ विनिंग, ओके। थर्ड नंबर प्लेयर विल बी इम्पॉर्टेंट, ओके, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट है, तो फिर दूसरी टीम से तीसरे नंबर पे बैटिंग करने कौन आएगा? तो दोस्तों थोड़ा सा बग आ गया था, कोई बात नहीं, तो UDCRA के तरीके से बनाते हैं टीम दोस्तों, जैसे हम बनाते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला कि एल राहुल जीत गए टॉस दोस्तों, तो राहुल जीते हैं तो इसका मतलब दोस्तों राहुल बॉलिंग करेंगे, है ना। तो हमने बोला यहाँ पे थर्ड नंबर प्लेयर विल बी इम्पॉर्टेंट, तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है राहुल की टीम से, देखे जरा, नहीं सॉरी, राहुल तो बॉलिंग कर रहे हैं ना, बैटिंग करेंगे फिर रिधिमान साहा, तीसरे के बाद हमने कौन सा लिखा है, पांचवा नंबर, तो पांचवे पे आ रहे हैं डेविड मिलर, और उसके बाद एक फिनिशर, फिनिशर तो फिर हार्दिक पांड्या से बड़ा कौन हो सकता है ना। तो लिया जाएगा एक बार वही 3 प्लेयर्स को दोस्तों, ड्रीम 11 ओपन किया जाएगा, बैट बॉल पे दोस्तों हम बना चुके हैं टीम, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मैंने बोला ना बग आ गया था, तो आपके लिए दोबारा मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमने बोला है और कौन है वो, रिधिमान साहा है, उसके बाद डेविड मिलर है और हार्दिक पांड्या है, ये 3 प्लेयर बैटिंग में है, उसके बाद फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करेगी राहुल की टीम, तो फर्स्ट इनिंग्स में लिखा है हाई, नहीं, ओपनिंग बॉलर विल बी इम्पॉर्टेंट, तो ओपनिंग बॉलर कौन रहेगा फर्स्ट में ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों लखनऊ की तरफ से, तो चमीरा आवेश यही करेंगे, तो चमीरा और आवेश को रखा जाएगा। उसके बाद
उसके बाद क्या बोल रहा है ये, प्राइम स्पिनर, तो प्राइम स्पिनर इनके पास कौन है, रवि बिश्नोई, तो बिश्नोई को ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स समाप्त हुई, डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों सेकंड इनिंग्स की तरफ। सेकंड इनिंग्स में क्या घटेगा, सेकंड इनिंग्स में ये बोल रहा है टॉप थ्री प्लेयर, तो लखनऊ के तीन प्लेयर राहुल, डीकॉक और पांडे, पांडे, राहुल और डीकॉक तीनों ले लिए गए हैं। उसके बाद एक मीडियम सा बॉलर, गुजरात का मीडियम सा बॉलर, अरे नहीं, मीडियम नहीं, इनका तो राशिद खान ही लेना पड़ेगा फिर, इनसे बड़ा प्लेयर ही नहीं है यार राशिद खान दोस्तों। उसके बाद 9.5 करेट है, लेकिन वो बैटिंग सेक्शन से प्लेयर लेना पड़ेगा, तो बैटिंग सेक्शन से फिर कोई बड़ा प्लेयर निकल नहीं रहा, तो शुभमन गिल दोस्तों। एक बार देखें कौन सा बड़ा प्लेयर हमने छोड़ दिया, वैसे वेड लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे स्टैट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो बड़ा प्लेयर केवल और केवल मोहम्मद शमी छोड़ा है हमने, और कोई बड़ा प्लेयर हमने नहीं छोड़ा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए राहुल टॉस हार गए, पांड्या जी टॉस जीत गए, तो टीम क्या बनेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए है हाँ ना। तो चलिए फिलहाल इसका कैप्टन हमने डिसाइड नहीं किया, जाहिर सी बात है यही दोनों बनेंगे, जब दोनों को हम कह रहे हैं कि दोनों बड़ी इनिंग्स खेलेंगे तो उनको ही CVC बनाइए ना। अब पांड्या जी टॉस जीत गए तो राहुल की बैटिंग आ गई है हाँ ना, तो क्या कर रहे, कह रहे हैं ये वही तीसरा पांचवा और एक फिनिशर, तो तीसरा पांडे, फिनिशर मैं दोस्तों दीपक हुडा को रखूँगा, और कुरनाल पांड्या एक तरीके से मेरे फिनिशर साथ में रहेंगे, तो मुझे लगता है दीपक हुडा 5वें नंबर पर आएंगे। तो एक तो आ गए यहाँ पे फिर मनीष पांडे, दीपक हुडा 5वें, फिनिशर आ गए कुरनाल पांड्या, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बॉलिंग करेंगे फर्गुसन, शमी और प्राइम स्पिनर रहेंगे राशिद खान, तो प्राइम स्पिनर आ गए, शमी आ गए और लकी फर्गुसन आ गए, फर्गुसन कहाँ पे है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में इन्होंने बोला है टॉप थ्री विल बी इम्पोर्टेंट, तो शुभमन गिल, वेड, वेड, शुभमन गिल, सहा। उसके बाद एक मीडियम सा बॉलर लिखा है, मुझे लगता है मीडियम सा बॉलर फिर कुणाल पांड्या ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, और कोई लेने, अब दो प्लेयर ले सकते हैं हम, तो दो में से एक बड़ा प्लेयर मैं राहुल को छोड़ना नहीं चाहता, दैट्स वाई मैं ले रहा हूँ, डीकॉक को मैं छोड़ रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी जगह पे मुझे कोई और बड़ा प्लेयर चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक मिनट देखे जरा कुछ लिखा है क्या, मीडियम बॉलर ले चुके हैं, टॉप थ्री ले चुके हैं, ओपनिंग पेसर भी आ चुके हैं, प्राइम स्पिनर भी है, सब कुछ आ चुका है, एक प्लेयर आप मर्जी से कोई भी ले सकते हो। डीकॉक विकेट कीपिंग करेगा, वैसे मुझे लगता नहीं कुछ खास कर पाएगा अकॉर्डिंग टू अवर स्टैट्स है ना, तो यहाँ पे फिर डेविड मिलर लिया जा सकता है अगर आप चाहें, लेकिन फिर एक्स्ट्रा बैट्समैन हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है, दोनों साउथ अफ्रीकन है, किसी को भी आप ले सकते हो। कैप्टन यहाँ पे आपको शुभमन गिल को बनाना है, वाइस कैप्टन फिर भी मैं राहुल को ही बनाऊंगा क्योंकि मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो फिर इस तरीके की टीम बनेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।